आप एक बहादुर इंसान है और आप हमेशा सच पे बोलते हैं, तो वो आप इसको कंटिन्यू करें। चौधरी साहब, इन्हें तो कोई कम नहीं करना। ताड़े प्रोग्राम अपन बड़े शौक नाल वेखने आ, ते इत्थे दुबई च वी ताड़ी बहुत मान है, बहुत चाह नाल हैगे ने जिहड़े ताड़ा प्रोग्राम वेखदे ने। ते यकीन करो कि साडे नौजवानां वास्ते बड़ी रहनुमाई है। काइंडली आप ऐसा ना करें, आपके इस वीडियो से, यूट्यूब चैनल से बहुत सारे जो यंग जनरेशन है या हम लोग हैं, हमें बहुत सारा लेसन मिलता है कि बुराई की तरफ नहीं जाना है, ठीक है, ऐसे काम नहीं करें। बिल्कुल घबराना नहीं। हाँ, सब कहते होते हैं ना, आपने घबराना नहीं, तो आपने भी नहीं घबराना। आप अपना प्रोग्राम कंटिन्यू रखें। ਤੇ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਈ ਡੀ ਅਤੇ ਪੇਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਕਾ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਕੀ ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਦੇਖੀ, ਆਪ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਰ, ਆਪਕੇ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਆਪਕੀ ਵੀਡੀਓ ਸੇ ਤੋ ਹਮਲੋਗ ਕਿਤਨੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਮਿਲਤੀ ਹੈ। ਯੂਟਿਊਬ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਕੋ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ। चौहान साहब, ये आपने क्या पोस्ट लगा दी है कि अकाउंट डिलीट करने लगा। चौहान साहब, खुदा आपको खौफ करे, क्या हो गया आपको? चौहान साहब, मैं तुम्हें बचपन तो जानना जी, ताड़े हत्थां च वड्डे होए हां, ते ताड़े उत्ते ते अमरीका नहीं प्रैशर पा सकदा। अमरीका ते सदा नहीं ताड़े उत्ते प्रैशर पा सकदे, ते लाहौर ने की ताड़े उत्ते प्रैशर पाना? लाहौर दे तुसीं कहेंगे कि रब ने हर आदमी को जो भी इस दुनिया में आया है उसको किसी मकसद के लिए भेजा है। फर्क इस चीज का है कि कुछ लोग अपने उस मकसद को समझ जाते हैं और उस पे अमल पैरा हो जाते हैं। कुछ लोग जो हैं उस मकसद को सारी जिंदगी समझ नहीं पाते और बस इस दुनिया से चले जाते हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि शाहिद भाई को जो मकसद नजर आया वो अल्लाह का दिया हुआ था। अगर आप हमारी रहनुमाई नहीं करेंगे तो जो मैंने नशा आपकी वजह से छोड़ा है, आप चैनल बंद करेंगे, मैं आपकी वजह से फिर नशे कर दूंगा। आप ठीक है? दो दिन पहले शाहिद भाईजान ने एक पोस्ट लगाई जिसके ऊपर शाहिद भाईजान ने ये लिखा कि आज रात को मैं अपना चैनल और फेसबुक अकाउंट बंद करने लगा। सिर्फ और सिर्फ ये जो भाईजान ने ये पोस्ट लगाई सिर्फ ये चेक करने के लिए कि आया मैं देखूं कि लोग मुझसे प्यार भी करते हैं कि नहीं। मुझे ये जान के बड़ी खुशी हुई कि हजारों की तादाद में लोगों ने लाइक्स भी दिए, फिर भाईजान के व्हाट्सएप पे, बल्कि मुझे भी ज़ाती तौर पे बहुत सारी ऐसी कॉल्स आई कि उन्होंने मुझसे पूछा कि ये शाहिद भाई क्यों ऐसे कर रहे हैं, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए। मैंने फिर उनको बताया कि ये सिर्फ सिर्फ लोगों को चेक करने के लिए ये पोस्ट लगाई गई है कि आया लोग हमें देख भी रहे हैं कि नहीं देख रहे। भाईजान का जो मकसद है ना वो ये है कि लोगों में अच्छाई को स्प्रेड करना, क्योंकि जो लोग ऐसे हैं जो बुरा काम करते हैं या करते रहे हैं, उन लोगों के पीछे हिस्ट्री क्या है, किन किन मुसीबतों से वो गुजरे हैं और क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स हुई हैं और बुरी तरीके से उनका अंजाम हुआ है, ये ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। सिर्फ लोगों ने लोगों के नाम सुने हुए हैं, ये है, ये है, ये है, और उनका एंड नहीं पता होता। तो भाईजान ने ये जो एक बेड़ा उठाया है ये छोटा काम नहीं है।